ओबीसी तुम में काम करो, कुर्सी छोड़ो, आराम करो। वी वांट ऑल इंडिया, वी वांट ऑल इंडिया, वी वांट ऑल इंडिया, वी वांट ऑल इंडिया। जम्मू यूनिवर्सिटी हाय हाय, जम्मू यूनिवर्सिटी हाय हाय, जम्मू यूनिवर्सिटी हाय हाय, जम्मू यूनिवर्सिटी हाय हाय। ओबीसी तुम में काम करो, कुर्सी छोड़ो, आराम करो। ओबीसी तुम में काम करो, कुर्सी छोड़ो, आराम करो। ओबीसी तुम में काम करो, कुर्सी छोड़ो, आराम करो। वी वांट जस्टिस, वी वांट ऑल इंडिया, वी वांट ऑल इंडिया, वी वांट ऑल इंडिया। जम्मू यूनिवर्सिटी हाय हाय, जम्मू यूनिवर्सिटी हाय हाय, जम्मू यूनिवर्सिटी हाय हाय। किस हवाले से आज का ये जो प्रोटेस्ट आपने कॉलेज में किया है, मेन मकसद क्या था इसका? आज ये ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए, कि हमें ऑनलाइन एग्जाम्स चाहिए। हम इतनी सी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो हमें हमारे ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए, हमें ऑफलाइन एग्जाम्स नहीं देने, क्योंकि हमारी अगर क्लासेस हमारी जूम ऐप पे हुई हैं या वाइज ऐप कहीं भी ऑनलाइन हुई है, तो हम ऑफलाइन एग्जाम्स नहीं दे सकते, हमें ऑनलाइन एग्जाम्स ही चाहिए। यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम्स ही चाहिए हमें। मैं थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। क्या मकसद था आज के इस प्रोटेस्ट का? सर, हमारा मकसद ये है यहाँ पे कि अगर हमारे जो क्लासेज हैं वो ऑनलाइन ली गई हैं, तो हमारे एग्ज़ाम्स भी हैं वो ऑनलाइन होने चाहिए। यहाँ पे जो 15 और 14 को एक मीटिंग हुई वीसी सर ने ली प्रिंसिपल्स की, हमारे प्रिंसिपल ने तो एग्ज़ाम नहीं ना देने, पढ़ा बच्चों ने, पढ़ाया टीचरों ने, आधा सिलेबस भी जो है हमारा वो कम्प्लीट नहीं है। हमारा सिलेबस पहले कम्प्लीट कर लें, अगर सिलेबस कम्प्लीट है फिर पेपर अगर उनने ऑनलाइन पढ़ाया है तो पेपर भी ऑनलाइन लेने में क्या इशूज़ है उन्हें? हमारे पेपर ऑनलाइन होने चाहिए। अभी पीसफुल प्रोटेस्ट है, कल हम हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे अगर हमारे हक में जो है वो फैसला नहीं आया। जम्मू यूनिवर्सिटी में बच्चे बैठे हुए हैं, हर एक कॉलेज के बच्चे जो हैं वो अभी प्रोटेस्ट में हैं। वीसी साहब को क्या प्रॉब्लम है अभी हमारे पेपर ऑनलाइन कंडक्ट करने? हम तो यही कहेंगे कि हमारे हक में फैसला करें, हमारे बच्चे जो हैं हमारे जो हमारे कंसेप्ट हैं वो अभी तक क्लियर नहीं है, हमारे बच्चों को पढ़ाया नहीं है टीचर्स ने, ऑनलाइन जो है वो अच्छे से क्लासेज नहीं हुई है, तो हम एग्ज़ाम कैसे देंगे ऑनलाइन?